सत्य खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। अरिफ चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और यह घंटी भी बजा दियो। अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच विवाद कोई नया नहीं है। इस बार एक बार फिर अभिभावक और निजी स्कूल आमने सामने है। कोरोना संकट चल रहा है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर निकलकर लगातार गुहार लगा रहे हैं। क्यों आखिर परेशान हो रहे हैं? और इस बार क्योंकि अभिभावकों के पक्ष में कई हरियाणा सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके बावजूद क्यों कोई सुनने को उनकी तैयार नहीं है? पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है। सर, कौन से स्कूल से हैं? मेरा नाम राजेश कुमार, मेरे दो बच्चे हैं जो अग्रवाल स्कूल सेक्टर 3 स्कूल में पढ़ती हैं जी। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, इसी वजह से मैंने अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करवाया था कि फीस कम और नॉन प्रॉफिटेबल। लेकिन आज के टाइम पे हमने इनसे बात करी कि भाई सर, हम फीस नहीं भर सकते। इनके मेन प्रिंसिपल सामने नहीं आते, कोऑर्डिनेटर हैं दो, उनसे बात हुई हमारी। हम पेरेंट्स गए सारे फरीदाबाद के, अग्रवाल स्कूल के पेरेंट्स भी और भी स्कूलों के, हम लोगों ने बात करी है सभी स्कूलों में और अपने अग्रवाल स्कूल से भी। उन्होंने ये बोला कि हम आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते, हमारी तरफ से पीछे कोई गाइडलाइन नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात रखी थी इनसे कि भी इस काल में, कोरोना काल में, हम लोग फीस अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन टीचरों की फीस कुछ लिमिटेड हद तक बन सकती है। एक नॉर्मल टीचर का 15,000 का खर्चा नॉर्मल हो सकता है, वो अपना खर्चा चला सकता है। 5,000 स्टूडेंट हैं स्कूल में, हम लोग चाहते हैं कि भी 300, 400, 500 जो गवर्नमेंट कहे, एक बार निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि भी इनकी कितनी सैलरी बनती है। हम लोग वो गवर्नमेंट अलाउ करते हैं, हमें हम वो पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट इन स्कूलों को प्रोवाइड करें, हम लोग यही चाहते हैं। दूसरी हमारी एक रिक्वेस्ट है सबसे इस आपके चैनल के माध्यम से कि भी जब गवर्नमेंट कहती है NCERT बुक लगाई जाए जी, जिसकी एक बुक की कॉस्ट पहली से पाँचवीं तक की एक बुक की कॉस्ट सिर्फ 65 रुपीज़ है, और हम लोग पहली क्लास से पाँचवीं क्लास तक प्राइवेट स्कूलों में जो नॉन प्रॉफिटेबल संस्था कहते हैं अपने आप को, उनकी भी एक बुक की कीमत 500 रुपये की है फर्स्ट क्लास की। जो एक सब्जेक्ट, एक क्लास का सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये का नॉर्मल पड़ता है। मैं एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर और भी महंगी है। तो अगर स्कूल कहता है हम नॉन प्रॉफिटेबल हैं तो NCERT बुक क्यों नहीं लगाई जाती? आपके चैनल से मेरा यह कहने का यही माध्यम है कि भी जब गवर्नमेंट कहती है NCERT बुक लगाई जाए, स्कूल वाले कहते हैं हम NCERT बुक नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे रूल रेगुलेशन में नहीं है, हमारा फंडा कुछ और है। मेरा आपका यही कहना है कि NCERT की बुक आपके चैनल के माध्यम से लगवाई जाए, प्रेशर बनवाया जाए, वन नेशन वन बुक वन क्लास होना चाहिए जी। और अगर ये स्कूल नॉन प्रॉफिटेबल है तो किसी तरह इसकी निष्पक्ष जांच हो। गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भी पर स्टूडेंट, हम कहते हैं हमारे को टीचर पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बच्चों के किसी के सर में दर्द है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन हम भी कहते हैं कि भी एक 200, 300, 500 जो भी गवर्नमेंट हमें डिसाइड करे। हम टीचर स्कूल वाले कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के पास जाइए, तो हम गवर्नमेंट से यही सवाल कहते हैं कि आप एक आंकड़ा दे दीजिए, हम वो फीस गवर्नमेंट को दें, गवर्नमेंट इन स्कूलों को दे, क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, ये काम हो सकता है। वो आपके मतलब जनप्रतिनिधि भाजपा पार्षद हमारे साथ कपिल डागर जी मौजूद है, जिनके एरिया में ये अग्रवाल स्कूल आता है। सर, आपकी दोहरी जिम्मेदारी है क्योंकि आप सरकार में अपनी भागीदारी रखते हैं और सीधे तौर पर पार्षद है, जनप्रतिनिधि हैं, तो जितना लोगों के प्रति जवाबदेही है उतना अपनी पार्टी के प्रति, अपनी सरकार के प्रति भी आपकी जवाबदेही है। ऐसे में दोनों के बीच में एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और अभिभावकों में एक रोष सरकार को लेकर भी नजर आ रहा है, निजी स्कूलों को लेकर तो है ही है। पूजा जी, अभी माननीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने यही एश्योरेंस दिया कि भी जो सरकार की गाइडलाइन है स्कूल को वैसा ही करना पड़ेगा, मनमर्जी स्कूल की नहीं चलेगी, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, लूट का अड्डा नहीं बनेगा किसी भी कीमत पर। क्योंकि फरीदाबाद में तो बहुत सारे स्कूल, माननीय मंत्री जी आज से 19 साल पहले MVN स्कूल के जो चेयरमैन थे मिस्टर गोपाल शर्मा, पूजा जी आपको याद होगा हम पे सब पे मुकदमा दर्ज हुआ था और गोपाल जी को हमने अरेस्ट कराया था। हम तो उसी अभिभावक के मंच के पदाधिकारी रहे हैं और इनके साथ हमारी हमदर्दी इनके साथ रहेंगे हर सूरत में, और सरकार की किसी भी कीमत पे बदनामी नहीं होने देंगे। सरकार की जो गाइडलाइन आई है उस पे स्कूलों को कार्य करना ही पड़ेगा, हर सूरत में करना पड़ेगा, कोई प्रॉफिट वाला स्कूल हो या नॉन प्रॉफिट वाला हो, लेकिन लूट किसी कीमत पे नहीं होगी और ना ही वो किसी भी पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं कर पाएगा। कल जो मैं टोकना चाहूंगी आपको कि जो निजी स्कूल है जो अपने बिल्डिंग अपने पैसे से काम कर रहे हैं, हम उनको भी अगर एक तरफ रख दिया जाए क्योंकि हर आदमी अपना व्यवसाय कर रहा है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाओं द्वारा स्कूल संचालित है, कहीं ना कहीं सरकार की भी किसी ना किसी रूप से वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद लेते हैं,
उन संस्थाओं पर नहीं जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों उनके सहयोग की, उनके सहयोग करने की, कि आगे आकर वो कहे कि हम लोगों के लिए खड़े हैं। ऐसे में उनके द्वारा, चाहे अग्रवाल स्कूल की बात करें और आपके आप वार्ड पार्षद हैं यहाँ पर, काफ़ी वार्ड में ऐसे स्कूल हैं, तो ऐसे स्कूलों को लेकर क्या कुछ आपने आगे मुख्यमंत्री से या आगे शिक्षा मंत्री से बात करने की कुछ मन बनाया है? कल मैं गाइडलाइन लूँगा जी शिक्षा अधिकारी से, और उसके बाद में माननीय मंत्री जी ने मेरे को बुलाया है जी। बोले कि एक बार वो गाइडलाइन पे दोनों चर्चा कर लेते हैं, बोले फिर सीधे सीएम साहब से इस विषय पे, इस विषय को रखेंगे कि लोग इस कोरोना के चक्कर में 2 जून की रोटी के लिए परेशान हैं और स्कूलों का दबाव किसी कीमत पे नहीं सहेंगे जी। बोले कपिल जी आप कल एक बार वो लाइए, दोनों बैठ कर डिस्कस करते हैं, और बोले फिर मैं आपको एक बार देवेंद्र जी जो चेयरमैन हैं अग्रवाल विद्या प्रचारिणी के और विनय गुप्ता जी, बोले दोनों से आप बात करो कि भाई बीच का सेटलमेंट रास्ता निकले, अगर बोले यहाँ से बात नहीं बनी तो फिर चंडीगढ़ जाके बोले माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में ये सारा का सारा मामला लेकर आएंगे शिक्षा अधिकारी और शिक्षा मंत्री अपने कंवरपाल गुर्जर जी से, और ये तो हर सूरत में कि हम तो किसी कीमत में बर्दाश्त करेंगे नहीं कि कोई भी पेरेंट्स दुखी हो। जिस तरीके से मानसिक दबाव उन पर बना हुआ है, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज आत्महत्या की कगार पर खड़े हैं, उनको 2 जून की रोटी खिलाना बड़ा मुश्किल है बच्चों को, और पढ़ाई पढ़ाई के लिए वो अपने आप को तो नहीं बेच सकते पूजा जी, लेकिन हर हाल में जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की हैं वो लागू कराई जाएंगी, मैं इनके साथ हूँ, मेरे हरियाणा सरकार इनके साथ। तो देखिए जहाँ एक और निजी स्कूल एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि अभिभावक स्कूल की फीस जमा करें, जो भी फीस के नोटिस दिए जा रहे हैं उसी के अनुसार फीस जमा करें, वहीं पेरेंट्स ने एक विकल्प निजी स्कूलों को दिया है कि जो अभिभावक बार बार ये कह रहे हैं कि इस वक्त संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन है, कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं ये अलग मैटर है, लेकिन फिर भी अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, उन लोगों की सैलरी को लेकर उन्होंने एक विकल्प दिया है कि जो सैलरी बनती है उसको देने को वो तैयार है, लेकिन मुनाफा निजी स्कूलों को किसी भी कीमत पर देने को अभिभावक तैयार नहीं है, और इस बात को लेकर वे हरियाणा सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, सत्य खबर के लिए। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।